सक्षम 2022 हा अतिशय महत्वाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, जो आपल्या देशाच्या ऊर्जा सुरक्षा, शाश्वत विकास तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी भारत सरकारने हा उपक्रम सुरू केला असून इंधनावरील व्यर्थ खर्चाला आळा घालणे, त्याचप्रमाणे परकीय तिजोरीवरील वाढते ओझे कमी करणे तसेच जीवनावश्यक इंधनाच्या ज्वलनामुळे निर्माण झालेल्या हरितगृह वायूच्या प्रतिकूल परिणामापासून पर्यावरण संरक्षण करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असून हा कार्यक्रम 11 एप्रिल ते 30 एप्रिल दरम्यान करण्यात येणार असून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आलं. यामध्ये विविध उपक्रमाचं देखील आयोजन करण्यात आलं असून विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या विषयाची माहिती इंडियन ऑइल विक्री प्रबंधक प्रवीण रेवगडे, HPCL विक्री प्रबंधक कौशिक भौमिक, BPCL विक्री प्रबंधक स्वप्निल पटेल यांनी दिली. भारत सरकार की तरफ से सभी जगह जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल की जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको रोका जा सके और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग डाइवर्ट हो सके. इसलिए सोलर एनर्जी, ईवी चार्जिंग स्टेशन और बहुत सारे एनर्जी जो सोर्सेस है उसकी तरफ हम जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं. इसलिए एक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कि पूरे भारत में सब जगह पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. कितने दिन चलने वाला है ये? 15 डेज का प्रोग्राम रहेगा, फोर्टनाइटली रहेगा और सभी जगह तीनों तेल कंपनियों के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी सभी लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. नासिक भी, हाँ नासिक में जितने भी पेट्रोल पंप है ऑयल कंपनीज के, सब जगह पर सब डीलर्स लोग भी उसको अपने अपने स्तर पर गांव वालों को, किसानों को, सबको जानकारी देके जागरूक कर रहे हैं कि हमको इस तरफ हमें आगे बढ़ना है. सोलर जो है, सोलर एक, जैसे आपको पता है कि हर साल सोलर का मिनिस्ट्री से टारगेट दिया जाता है हर एक ऑयल कंपनी को सोलराइजेशन. तो ये छोड़ के भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, लास्ट 2 साल से इसका भी जागरूकता बढ़ा है. हमारे फ्यूल पंपिंग स्टेशन में हम ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहे हैं, इवन बड़े बड़े हाईवेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जा रहा है. तो ये जो एक है, ये बढ़ती हुई जागरूकता निशानी है एंड जो सरकार के पॉलिसीज है, पॉलिसी के कारण हम लोग ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. जो भी OMC है, IOC, BPC, HPC अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस स्टेट्स, हाईवेज, मेजर हाईवे, मेजर सिटी, सब जगह में हम लोग कोई ना कोई अल्टरनेट फ्यूल हम देने का कोशिश कर रहे हैं. नासिक में भी ऐसा CNG हम ला रहे हैं, पहले थे नहीं, अभी काफ़ी कम जोरदार से चल रहा है. ईवी चार्जिंग स्टेशन में नासिक एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री के लिस्ट में, नासिक एक शहर है जहाँ पे ईवी भी आना है. तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं. सर ने बताया ये सक्षम प्रोग्राम एक भारत सरकार का इनिशिएटिव है, जो भी आज 11 तारीख से 30 तारीख के अंतर्गत चालू होगा. इसका मेन फोकस रहेगा कि हम लोग का जो इतना फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करना है, क्योंकि जितना हमारा ज़्यादा डिपेंडेंसी है उतना ही ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है कंट्री के ऊपर. तो बेसिकली भारत सरकार का भी यही इच्छा है कि हम लोग ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ मूव करें, जैसे EV है, CNG है, और हमारा जो बाहर फॉसिल फ्यूल्स की तरफ इतना कैश आउटफ्लो है उसको थोड़ा कम करें. NCN News साठी प्रतिनिधि सचिन दिवटे, नवीन नाशिक.